नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारी बाधक सीरीज के अंतिम पड़ाव में आज हम आपको बता रहे हैं द्वि स्वभाव लग्नों में बाधक क्या करते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। हमारी पिछली दो पोस्ट जो कि चर लग्न और स्थिर लग्न से संबंधित थी, आप सबने देखी, समझी और सराही। हमें कमेंट्स पर बहुत अच्छे अच्छे मत दिए, आप सबका धन्यवाद। आज बात कर लेते हैं बाधक सीरीज के अंतिम लग्नों की जो कि द्वि स्वभाव लग्न है। जैसा कि आप सब हमारे पीछे देख रहे हैं द्वि स्वभाव लग्नों में 3, 6 और 9, 12 आता है। तो पहले ले लेते हैं दोस्तों 3 नंबर का लग्न जो कि मिथुन लग्न बनेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं अगर इसमें से हम गिने आगे तो यहां पर हमारे पास 9 नंबर आएगा जो कि धनु राशि होगी। यहां एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां राशि की बात कर रहे हैं, भाव की नहीं। सातवें भाव में, क्योंकि द्वि स्वभाव लग्न में सातवां भाव जो होता है वो बाधक होता है या बाधकेश होता है। अब बात करते हैं धनु राशि के कार्यकर्त्व की जो कि धर्म कर्म की राशि मानी गई है। जब ये सातवें भाव में आएगी तो ऐसे में क्या होगा कि यदि जातक विशेष बहुत ज्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ करने वाला होगा, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होगा, सेवा भाव रखने वाला होगा, तो जीवन में कहीं ना कहीं उसको नुकसान मिलने के योग बनते चले जाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि आप जानते हैं कि धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है और लग्न जो है वो बुध का है। बुद्धि और ज्ञान ये दोनों परस्पर समसप्तक चलते हैं। अगर बुद्धि से काम लेना है, व्यापार करना है, तो आपको ज्ञान को कम रखना पड़ेगा, यानी कि आपको धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि पर कम ध्यान देना पड़ेगा, धार्मिक यात्राएं तीर्थ यात्राएं कम करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको जो है लंबी यात्राएं कम करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको जो है जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। तो द्वि स्वभाव लग्न में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आता है कि जब भी आप देखेंगे अगर ऊपर बुध की राशि आएगी तो नीचे गुरु की आएगी, गुरु की आएगी तो नीचे बुध की आएगी। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और कुंडली में भी आमने सामने ही होती हैं। अगर बुद्धि अच्छी होगी तो ज्ञान की कमी होनी चाहिए और ज्ञान अच्छा है तो फिर बुद्धि की कमी होनी चाहिए। क्योंकि कलयुग की हम बात करें, शुक्र प्रधान कलयुग है, यहां पर हमें जीवन की लग्जरीज जो चाहिए होती है वो धर्म कर्म पूजा पाठ से संबंधित नहीं चाहिए होती है। आप देख सकते हैं कि जनरली जो व्यापार वर्ग होता है वो अधिकतर पार्टी मनाना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना पसंद करता है, ना कि पूजा पाठ संगत इत्यादि का करने का प्रयास ज्यादा करता है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे लग्न की। जैसा कि मैंने आपको बताया ये अब 6 नंबर का लग्न बनेगा। अगर यहां मैं 6 नंबर रखता हूं तो यहां आ जाएगी आपकी 12 नंबर की राशि। अब देखिए इंटरेस्टिंगली भाव तो ये सातवां ही है लेकिन ये राशि अब मीन राशि हो गई। मीन राशि काल पुरुष की 12वें घर की राशि पड़ती है। जैसा कि आप सब जानते हैं मीन राशि मोक्ष से संबंधित है, व्यय से संबंधित है, यानी कन्या लग्न का व्यक्ति अगर खर्चे ज्यादा करता है, मुक्ति की कामना करता है या ज्ञान की कामना करता है, गुरु के आश्रम में जाने का प्रयास करता है, खर्चे ज्यादा करता है, तो कहीं ना कहीं उसको व्यापार वर्ग में या उसके जीवन में वो तरक्की नहीं कर पाएगा। ये एक संदेश है देने का कि बाधक आपको किस प्रकार से रोक सकते हैं। यहां एक बात और भी देखेंगे, कार्यकर्त्व के रूप में अगर हम बात करें तो इससे संबंधित जो रिश्तेदार होगा वो भी आपको बाधक उत्पन्न कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको हर एक प्रयास में बताया, यहां मैं बार बार एक अनुरोध कर रहा हूं कि ध्यान देना है आपको कि हमें सिर्फ राशि के कार्यकर्त्व की बात करनी है, यहाँ भाव की नहीं। ये सप्तम भाव है लेकिन सातवें भाव में मीन राशि है, तो मीन राशि के जो भी कार्यकत्व हैं, जैसे कि समुद्र के आसपास का एरिया या समुद्र कह सकते हैं, गुरु का आश्रम कह सकते हैं, और कोई ऐसी जगह जो मुक्ति मार्ग ये मोक्ष की ओर सिखा पढ़ाती हो, धर्म कर्म की ओर ज्यादा धकेलती हो, या आपको व्यय करवाती हो, खर्चे कराती हो, तो इन सबसे इस व्यक्ति को, कन्या लग्न वाले व्यक्ति को बचकर ही अपना जीवन यापन करने की सोचनी चाहिए, तभी वो जीवन में तरक्की कर पाएगा। अब दूसरे पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी बुध की राशि लग्न में आएगी तो गुरु की राशि सप्तम चली जाएगी। तो यहां आपको मैंने बताया 3, 6, 9, अब आ गए हम 9 पे, तो अगर यहां हम देखेंगे तो यहां आएगी 3 नंबर की राशि। अब यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहां जब 9 की बात कर रहे हैं तो धनु राशि आई और यहां मिथुन राशि आई। मिथुन राशि काल पुरुष के 3रे भाव की राशि है। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि मिथुन राशि जो है वो 3रे भाव यानी कि शौक से संबंधित है, कला जगत से संबंधित है, नाट्य संगीत से संबंधित है और घूमने फिरने छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित है, मैथुन संबंधी है। तो इन सब चीजों से अगर ये जातक बचकर चलता है, प्लस यहां पर कार्यकर्ता के रूप में कुंवारी लड़कियों का भी योग बनता है क्योंकि मिथुन राशि कुंवारी कन्याओं का प्रतीक भी बनती है या स्त्री जातक का भी प्रभाव दिखाती है और बुध व्यापार की भी राशि बनती है, तो ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों से अगर बचकर जीवन में चलता है या इन सब में लगाव नहीं रखता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा तरक्की होगी। हमने ऐसा पाया, बहुत जो धनु लग्न के लोग होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो नौकरी पेशा वर्ग होते हैं और एक एम लेकर दुनिया में चल रहे होते हैं, व्यापार करना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो शायद कामयाब भी होते हैं। अगर वो व्यापार करने की सोचेंगे, जैसे कि बुध की राशि आप देख रहे हैं सातवें भाव में, तो उनको कहीं भी सफलता मिलने के योग थोड़े से कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी द्वि स्वभाव में धनु लग्न की बात।
अब बात करते हैं अंतिम लग्न जो कि आप जानते हैं 12 नंबर का लग्न बनेगा और इसमें आप देखेंगे कन्या राशि आ जाएगी। और यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि कन्या राशि जो है काल पुरुष की, जैसा आप जानते हैं, छठे नंबर की राशि है जो कि हमारे केस में पेट का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही साथ मामा का प्रतिनिधित्व करती है, ननिहाल का भी प्रतिनिधित्व करती है और बहुत डेलिकेट राशि है। छठा रोग ऋण शत्रु का भी है। तो यदि मीन लग्न का आदमी इन सब चीजों से बचकर जीवन गुजारता है, रोग ऋण और उधार वगैरह नहीं लेता है और समाज में जो है अपने आप को एक लक्ष्य लेकर चल रहा होता है, व्यापार की तरफ नहीं आना चाहता है, कन्या राशि छठे घर विवादों से बचकर चलता है, तो इन सब चीजों से ये व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन यापन कर लेगा। अधिकतर अगर आप देखें जो हमारे गुरु महाराज हैं या जो आध्यात्मिक लीडर रहे हैं उनकी पत्रिका में मीन लगन ही ज्यादातर देखने में आता है, तो वो इन सब चीजों से छठे घर से रोग ऋण शत्रु व्यवहार शत्रुता से बचकर चलते हैं, तो उनको जीवन में तरक्की मिलती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको तरक्की नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों ये हमारी एक सीरीज थी जिसमें हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि बाधक किस प्रकार से कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं। यहां बार बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा कि हम भाव की बात नहीं कर रहे हैं, उस भाव में स्थित राशि की भाव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको दो सवाल लोगों का भी बताया कि ये छठा घर सातवां भाव जो होता है वो पत्नी का भी है, व्यापार का भी है, तो व्यापार से संबंधित चीजों में अगर वो इस राशि के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उनको कोई भी तरक्की करने से नहीं रोक पाएगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था आपको राशि संबंधित या बाधक संबंधित जानकारी देने का। आशा है आप लोगों का हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।